नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी के पर्व पर आज हम जानेंगे भारत की स्वतंत्रता से जुड़े 15 तथ्य। क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार दे दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन को साल 1947 में भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने ही भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन किया था। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, इसीलिए उन्होंने इस तारीख का चयन भारत की आजादी के लिए किया था। दरअसल 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए इसलिए शुभ था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो संयुक्त सेना के कमांडर थे और 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त हमारा कोई राष्ट्रगान नहीं था। भारत को अपना राष्ट्रगान आजादी के करीब 2.5 साल बाद 24 जनवरी 1950 को मिला था, जब भारत की संविधान सभा ने साल 1911 में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। देश की आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 तय हुआ था और इस समय रायसीना हिल्स पर लॉर्ड माउंटबेटन रह रहे थे। ऐसे में रायसीना हिल्स को तिरंगा फहराने के लिए सही नहीं माना गया। अब दूसरी सबसे अहम इमारत लाल किला ही थी जहां से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियों वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला वर्जन साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। 24 तीली अशोक चक्र के साथ भगवा, सफेद और हरी धारियों वाला वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके बाद ध्वज 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उस समय वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान एक ही थे, इनका विभाजन नहीं हुआ था। दोनों देशों के विभाजन का फैसला 17 अगस्त को किया गया था और इस दिन रेडक्लिफ लाइन की घोषणा की गई जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को अलग करती है। समुद्र तट पर बसा गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। ये क्षेत्र गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली थे। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल पर हवाई हमले किए और गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली को आजाद कराया। आज देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं बने थे। उन्हीं में एक था भोपाल। इस रियासत के नवाब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना और यहां पहली बार तिरंगा लहराया गया। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये सच है। 1930 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। इसका फैसला 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्व स्वराज की भी घोषणा की गई थी। हमारे भारत में करेंसी का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। साल 1917 में 1 रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब 1 रुपया 1 डॉलर कर दिया गया। आजादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया,
दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिक्टेनस्टीन, ये वो पांच देश हैं जो 15 अगस्त के दिन ही आजाद हुए हैं। पत्रकार कुलदीप नैयर से बातचीत करते हुए रेडक्लिफ ने कहा था कि मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज से दौरा किया, न ही जिलों के नक्शे थे मेरे पास। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन मैंने ये भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर ही नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। साल 2002 से पहले भारत की आम जनता को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड में बदलाव कर लोगों को कभी भी झंडा फहराने की मंजूरी दे दी। आजादी के दिन पर बनी हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।